Hello everyone, welcome to Legal Darshan. Since Faculty of Law of Delhi University ne abhi apna notice nikala hai regarding the exam dates for all the years, I have got a lot of requests from first year students to take up a session on how to write the answers. So this is the video of the same session I took in which I iterated my method of how I answer the questions, and I have also tried to include the advices we have got from our teachers regarding answer writing. So here is a sample question I have tried to solve in the video. I hope it is going to help all the freshers. Raghav and Vidya jo hain, unki shaadi 2010 mein hui hai, right? Now they have a child of 6 years in 2018. I have added this factor. Yes, Manas, the facts are similar, right? Okay, so I have added this factor. So, in order to show that the marriage is consummated. Now, Raghav, he converts to Islam in 2019 and then marries a Muslim woman, Fatima, in 2020. So, the Vidya, who was the first wife, Raghav ne abhi tak usse divorce nahi kiya hai. Vidya uski first wife hai, and she brings the case of bigamy. Now, she says that Raghav ne bigamy ki hai. और मुझे और अब मुझे और मेरी डॉटर को कॉम्पनसेशन चाहिए इस चीज का. Because they were having a child. Please mute कर दो जो भी जिसने भी अनम्यूट कर रखा है. Okay. Right. So now what happens is that Raghav converts to Islam, he marries Fatima, and then Vidya brings up a case of bigamy, ki Raghav ne bigamy ki hai. Ab Raghav court mein jaake usse oppose karta hai ki मैंने बायगमी नहीं की है बिकॉज मुस्लिम रीजन मुस्लिम रिलीजन में पॉलीगमी अलाउड है. वी कैन मैरी अप टू 4 वुमेन देयर. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू डिसाइड द केस. आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी फॉर्मेट पे आएंगे. ठीक है, दैट यू हैव टू डिसाइड द केस. इट इज रियरली गोइंग टू बी अ कॉमेंट्री, बट इट इज मोस्टली गोइंग टू बी अ डिसीजन. यू हैव टू एक्ट एज अ जज देयर. ठीक है, नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू राइट द आंसर लाइक दिस. सबसे पहले आप इंट्रो करोगे केस का. क्या यू विल इंट्रोड्यूस द प्रॉब्लम. कुछ लोग सीएलसी में और कहीं पे कैसे करते हैं हम लोग कि जैसे पर्सनली मैं अगर मैं अपनी बात करूं मैं आंसर कैसे लिखूंगी, तो मैं सबसे पहले ये चीज लिखूंगी कि द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स द प्रोवाइडेड प्रॉब्लम डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 क्लॉज ए. बिकॉज सेक्शन 5 क्लॉज ए में ही हमने पढ़ा है ना दैट इन हिंदू मैरिजेस बायगमी इज नॉट अलाउड. एंड देन आई विल स्टेट दैट सेक्शन 5 सेक्शन फिर मैं पूरा सेक्शन 5 स्टेट करूंगी. ठीक है, सेक्शन 5 जो है वो डिफाइन करता है कंडीशंस फॉर हिंदू मैरिज कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज. अब उसमें फर्स्ट कंडीशन है बायगेमी की, उसी पे हमारा ये टॉपिक है, उसी पे हमारा क्वेश्चन है. तो मैं सारी कंडीशंस को लिस्ट कर दूंगी, बट देन आई विल गो डीपर इनटू बायगेमी. बायगेमी क्या है? बायगेमी जो है वो आईपीसी में क्राइम भी है. सेक्शन 494 495 को मैं यहाँ पे लेकर आऊंगी कि बायगेमी कब मानी जाएगी. बायगेमी कब मानी जाती है? जब आपकी कोई और पार्टनर, कोई स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड एग्जिस्टिंग हो, मरा ना हो, जिंदा हो, आपकी मैरिज हो, आपने उसे डिवोर्स ना किया हो, एंड आप जाके किसी और पर्सन से शादी कर रहे हो. तो सेक्शन 494 इट इज विच डिफाइंस बायगेमी. तो सिंस हिंदू मैरिज में बायगेमी इज नॉट अलाउड, हम जहाँ पे जाएंगे 494 में देखेंगे कि बायगेमी क्या है. फिर हम वापस हिंदू मैरिज एक्ट पे आएंगे. हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 11 में लिखा है कि अगर कोई पर्सन बायगेमस मैरिज में है, उसकी सेकेंड मैरिज, नॉट द फर्स्ट, सेकेंड मैरिज गेट्स वॉइड. ठीक है, सेकेंड मैरिज जो है वो वॉइड हो जाती है बिकॉज इट्स अ बायगेमस मैरिज अंडर हिंदू लॉ. Then we will read it with section 8, 17. Section 17 में लिखा है कि bigamy की जो prosecution होगी, जो punishment है, उसमें एक तो wife को divorce मिल जाएगा और दूसरा punishment होगी under IPC. मैं इन सब चीजों को define करूंगी. ठीक है, ये तो हमारी विद्या की contention हुई. तो अब क्या आएगा? अब हम डालेंगे cases. ठीक है, but अब इसमें क्या है, अब यहाँ पे problem क्या आई,
राघव ये क्लेम कर रहा है कि मैं तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया हूँ, तो आप मेरे को कैसे प्रोसिक्यूट कर रहे हो, बिकॉज आई एम नो मोर हिंदू। तो अब मैं हिंदू नहीं हूं तो सेक्शन 5 का क्लॉज 1 मेरे पे नहीं लगेगा, क्लॉज 1, या मेरे पे सेक्शन 11 नहीं लगेगा, मेरे पे सेक्शन 17 और 18 नहीं लगेगा। तो अब जब मेरे पे 5, 11, 17, 18 नहीं लगेगा तो मेरे पे आईपीसी का सेक्शन 494 भी नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी वाइफ जो थी वो मुझे हिंदू मैरिज में प्रोसिक्यूट कर रही थी। तो अब हिंदू मैरिज जब अप्लाई नहीं हो रहा तो बायगेमी के लिए मैं प्रोसिक्यूट क्यों होऊंगा। अब इस पे हम आएंगे, जो पॉइंट राघव ले रहा है, जो कंटेंशन राघव ले रहा है, उसको अब हम डिसप्रूव कैसे करेंगे। हम उसे कहेंगे कि राघव लिसन, वी हैव टू केसेस, वन केसेस ऑफ सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अनदर केस विच फॉलोड द सेम डिसीजन इज ऑफ लिली थॉमस। तो अब इस केस में अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस केस को हम कैसे लिखें, तो हम इस केस को कैसे लिखेंगे, हम इसमें सिंपल सरला मुद्दल से स्टार्ट करेंगे। बिकॉज जब भी कोई दो या तीन केस सेम इशू से डील करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं चेंड अप केसेस, लाइक हम नहीं कहते, आई कॉल देम लाइक दैट, चेंड अप केसेस, बिकॉज हम उनका मेंशन यूजुअली इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो सरला मुद्दल के केस को हम मेंशन करेंगे कि इन 1995 an NGO forwarded an application for deciding this matter. उस केस में ये हुआ था कि 1990s में बहुत सारे हिंदू मेन मुस्लिम मैरिजेस करने के लिए, एक से ज्यादा बायगेमिस मैरिजेस करने के लिए अपने आप को कॉन्वर्ट कर रहे थे, जिससे कि एक हिंदू वुमेन के राइट्स वॉयलेट हो रहे थे, राइट? तो अब इसमें क्या हुआ सरला मुद्गल के केस में, एक्सक्यूज मी, हु इज यूजिंग दिस व्हाइट बोर्ड? अब हम जब सरला मुद्गल का केस मेंशन करेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम उसमें फैक्ट्स लिखेंगे कि सरला मुद्गल के केस में ये हुआ था, एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई थी टू अगेंस्ट दोज मेन हु वर कन्वर्टिंग इनटू मुस्लिम रिलीजन टू एंटरटेन बायगेमी, दे वांटेड टू मैरी मोर देन वन वुमेन एंड दिस दे वर डूइंग लाइक दिस। तो इस केस में जो था एपेक्स कोर्ट ने रोबोसा खनूम वर्सेस खोदादाद ईरानी, I'm sorry, I have no idea about this, Akhilesh. I'll read it and then I'll let you know. Because in our case mat, we have only Sarla Mudgal and Lily Thomas. And specifically Lily Thomas. So I will just revolve around case mat only right now. So Sarla Mudgal ke case mein, ye cheez hui that it was forwarded in the court ki Hindu women ke rights violate ho rahe hain. And ye sab ho raha hai. To aap jo hai, aap wo karo hume. टेक सम इम्पॉर्टेंट मेजर, इस कन्वर्जन को रोको। तो उस टाइम पे ये प्ली ली गई थी कि वी हमारा क्या है, हम इट इज अ फंडामेंटल राइट कि हम किसी भी फेथ को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोर्ट ने सरला मुद्गल के केस में ये बोला था दैट नो, इट इज योर राइट, वी एब्सोल्यूटली अग्री दैट इट इज योर राइट, बट we do not encourage this kind of activities, क्योंकि उसमें आप एक women का right violate कर रहे हो just for the sake of marrying. अब यहाँ पे सरला मुद्गल में ये decision आ गया कि अब Hindu male cannot convert to a Muslim community without giving divorce to his existing Hindu wife. उसे पहले अपनी शादी Hindu marriage में जो शादी उसने की है first wife से, उसे पहले उसे first wife से खत्म करना होगा, तो वो चेंज करेगा एंड तब ही कैन गो टू मुस्लिम फेथ एंड मैरी एज मेनी नंबर ऑफ वाइफ ही वांट्स टू मैरी, बट ही कैन नॉट पुट द लाइफ ऑफ दैट हिंदू वुमेन एट स्टेक, बिकॉज जो शादी आपने जिस लॉ के अकॉर्डिंग की है आपको उसी लॉ के अकॉर्डिंग टर्मिनेट करनी है। जब आप सेक्शन 13 पढ़ोगे तो सेक्शन 13 के भी एक क्लॉज है, डिवोर्स का एक क्लॉज है कि अगर आपका पार्टनर अपना रिलीजन चेंज कर रहा है देन इन दैट केस यू हैव द राइट टू फाइल अ डिवोर्स अगेंस्ट दैट पर्सन, सो दैट आपकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट से हुई है तो हिंदू मैरिज एक्ट से ही डिसॉल्व भी हो जाए। यू कैन ऑलवेज फाइल अ डिवोर्स पिटिशन इन दैट केस कि अगर आपका पार्टनर फेथ चेंज कर रहा है। नाउ सरला मुद्गल के केस को फर्दर लिली थॉमस में चैलेंज किया गया, ये कहा गया, अगेन ये कंटेंशन उठी कि इट इज
depriving the men of their fundamental right to change into the change into a different faith. Then again सरला मुद्दल वाले केस, जो सरला मुद्दल में सिर्फ डिसीजन आया था कि नहीं, we will not allow this thing, कि आपने अगर हिंदू धर्म से शादी की है तो अब हिंदू धर्म से उस पहली शादी को खत्म करो, फिर आप अपना फेथ चेंज करो, फिर आप जो मर्जी करो, we cannot let you play with the life of a lot of women altogether. बट अब इसको चैलेंज किया गया लिली थॉमस के केस में, और लिली थॉमस के केस में ये बोला गया कि आप एक पर्सन को उसके फंडामेंटल राइट ऑफ कन्वर्जन से डिप्राइव कर रहे हो. ये उसका राइट है कि वो अपना रिलीजन चेंज कर सकता है, वो किसी भी फेथ को फॉलो कर सकता है. सो इफ यू आर स्टॉपिंग इट, देन यू आर दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. तो लिली थॉमस के केस का इशू ये बना था. That is why they are chained cases. Now, Lily Thomas ने जो कोर्ट ने कहा वो ये कहा कि this is not deprivation of fundamental rights, because जो आप कभी भी अपने rights को दूसरे इंसान के rights के ऊपर exercise नहीं कर सकते. That Hindu women also has the right to live with dignity in a monogamous marriage. जब husband का intention ही it is not good. उस person का intention क्या है? Sensual intention है, to marry more than one woman. He wants to seek sexual pleasure in his all the marriages. He wants to go for polygamy. There is a clear intention कि आपका conversion का purpose ही polygamy है. तो हम इस चीज को क्यों ना रोके? Because आप जब फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज कर सकते हो तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट किसी और के राइट्स को ओवरकम करे, उसके राइट्स को उसको उसके राइट्स से डिप्राइव करे. सो लिली थॉमस अपहेल्ड द जजमेंट ऑफ सरला मुद्गल केस, सेइंग दैट सच काइंड ऑफ कन्वर्जन नीड्स टू बी स्टॉप्ड. अ हिंदू मैन नीड्स टू डिवोर्स हिज हिंदू वाइफ फर्स्ट एंड देन ही कैन कन्वर्ट इन टू मुस्लिम. ही कैन नॉट कीप द हिंदू वाइफ टूगेदर विद अ मुस्लिम वाइफ, बिकॉज हिंदूज में बायगेमी इज नो रूल, पॉलीगेमी इज नो रूल. सो जो मैरिज आपकी हिंदू मैरिज से हुई थी, वो आपके मुस्लिम बनने पे वो मुस्लिम मैरिज की तरह नहीं चलेगी. वो हिंदू मैरिज से हुई है, वो हिंदू मैरिज की तरह रहेगी. आपको मुस्लिम बनना है, आप बिल्कुल बनो. क्रिश्चियन बनना है, आप बिल्कुल बनो. आपको जो बनना है आप सब बनो, लेकिन आप पहले अपना उस पर्सन से डिवोर्स लो, उससे मैरिज को रिनाउंस करो, तब जाके आप दूसरा धर्म चेंज करो. बिकॉज इट वॉज हैपनिंग विद अ लॉट ऑफ हिंदू वुमेन दैट देयर राइट्स वर बीइंग वायोलेटेड. So these two cases upheld those people, those men were doing was a clear cut case of bigamy. So in this case also, अब जब हमने ये elements लिख दिए, हमने क्या किया? हमने introduction दिया, हमने section 5 बताया, हमने section 11, 17, 18 बताया, along with हमने क्या बताया उसमें, हम bigamy के elements हमने IPC से भी ले लिए, ठीक है? फिर हम सरला मुद्गल और लिली थॉमस पे आए. अब हमने इन दोनों को बताया. अब हम क्या करेंगे? अब हम एक हेडिंग डालेंगे, इन द प्रेजेंट केस. ठीक है, जब हमारा ये सारा काम हो गया, नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वी आर डन विद इट. ये हमने कर लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे? वी विल गिव अ हेडिंग इन द प्रेजेंट केस. हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम इस प्रेजेंट केस के फैक्ट्स लिखेंगे, अगर टाइम है तो. अगर नहीं है, मान लो कि थर्ड फोर्थ क्वेश्चन पे हो, टाइम ओवर हो रहा है पेपर लिखने का, तब तुम क्या करोगे? तब तुम लिखोगे इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स ऑफ दिस केस रिजेंबल्स टू द केस ऑफ सरला मुद्गल एंड लिली थॉमस, एंड देयरफॉर कीपिंग इन माइंड द अबव स्टेटेड प्रोविजंस जो हमने मेंशन किए ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड द अबव स्टेटेड प्रेसिडेंट्स डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट. सरला मुद्गल और लिली थॉमस सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं, ठीक है? इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल दैट व्हेनेवर यू राइट केसेस, हमेशा उनके ईयर मेंशन कर दिया करो. कोर्ट भले ही छोड़ दो, जैसे सरला मुद्गल 1995 की जजमेंट है तो वो ब्रैकेट में 1995 SC लिख के मेंशन कर दो. लिली थॉमस 2000 या 2005, सरला मुद्गल 2000 की है या 2000-2005, ऐसे ही कुछ ईयर्स हैं इनके. लिली थॉमस 2005 का है शायद, तो उसको 2005 SC करके मेंशन कर दो, ठीक है? ईयर कंफर्म कर लेना, आई एम नॉट श्योर. उसके बाद आप फैक्ट्स लिखोगे, फिर आप अगर टाइम नहीं है तो फैक्ट स्किप करके सीधा डिसीजन दे दो. सेकंड नंबर पे आप इशू लिखोगे. द इशू इन दिस प्रेजेंट केस इज वेदर राघव हैज कमिटेड बायगमी और नॉट, ठीक है? जब आपने इशू लिखा तो आप थर्ड नंबर पे लिखोगे, बेस्ड ऑन द अबव साइटेड सो एंड सो, ऑन द प्रेसिडेंट साइटेड सरला मुद्गल केस एंड लिली थॉमस केस, वी कंक्लूड दैट राघव हैज कमिटेड पॉलीगैमी
विद्या शुड गेट कॉम्पनसेशन एंड ऑल्सो द राइट टू सीज हर मैरिज और टू डिवोर्स हर हस्बैंड, और जो भी उस चीज में रेमेडीज डिमांडेड है आप उसके फेवर में डिसीजन दे दोगे, ठीक है। और फिर आप लिखोगे दैट राघव हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी एंड ही शुड ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी। 494 में बाइगेमी डिफाइंड है, 495 में पनिशमेंट डिफाइंड है। तो सेक्शन 11 क्लॉज 11 रेड विद 17 रेड विद 495 ऑफ आईपीसी दिस राघव शुड बी प्रोसिक्यूटेड। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट एन आंसर। टू सम अप क्विकली, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे कि दिस टॉपिक डील्स विद एक्स एंड वाई प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, फिर आप उन प्रोविजंस को एक्सप्लेन करोगे, फिर आप उनके सपोर्ट में इंटरप्रिटेशन दोगे केस लॉ से। केस लॉ कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है सरला मुद्रा लिली थॉमस के थ्रू। देन यू राइट द कंक्लूजन इन द प्रेजेंट केस व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर। किसी को कोई डाउट है इसमें अभी तक? लिली थॉमस पहले का नहीं हो सकता यार, सरला मुद्गल पहले आया था। लिली थॉमस वुड बी ऑफ 2002 आई गेस, 1992 का लिली थॉमस नहीं है। आई विल चेक। मैम डोंट माइंड आस्किंग दिस, व्हाट लिली थॉमस 2000 राइट? ओके ओके, हाँ। सो सरला मुद्गल इज ऑफ 1995 एंड लिली थॉमस इज ऑफ 2002 सॉरी। ओके, डू वी हैव टू मेंशन द फैक्ट्स? यस नो, मतलब डिपेंड करता है कि अगर जैसे ये वाला केस था, इसमें हमें सीधा पता था कि इशू क्या है, कि एन एप्लीकेशन वॉज मेड बिफोर सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप द मेन मैरिंग मुस्लिम चेंजिंग इन टू इस्लाम एंड मैरिंग मोर वुमेन कमिटिंग बाइगेमी एंड देयरफॉर एक्सप्लॉइटिंग द राइट्स ऑफ हिंदू वुमेन। तो यहाँ पे आप सीधा ये लिखो, तो फिर इसमें क्या है, फैक्ट भी कवर हो रहा है, इशू भी कवर हो रहा है। बट अब बाकियों में क्या होता है, कभी कभी फैक्ट्स बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो क्रुएल्टी का केस आ गया, किस एक हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत मार रहा है, बहुत ज्यादा मार रहा है, उसके घर वालों से दहेज के पैसे मांग रहा है हर 2 साल में फोन करके, उसके बच्चों को मार रहा है एंड ही इज डूइंग वॉयलेंस एट होम, शोर मचाता है, घर से बाहर निकाल देता है। तो ये फैक्ट्स जब आपके किसी प्रेसिडेंट में होंगे, मान लो ये दास्ताने वर्सेस दास्ताने के फैक्ट्स हैं, तो आप इनको लिस्ट करोगे, यू विल लिस्ट देम बिकॉज दे विल बी रिलेटिंग टू द प्रेजेंट केस। जो भी आपके सामने एक और क्वेश्चन होगा उससे वो रिलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया कि राघव और विद्या जो है वो, उनकी शादी 2010 में हुई, उनका बच्चा था 2018 में, उनका बेबी 6 साल का हो गया। नाउ 2019 से जो राघव था उसने विद्या को वो करना स्टार्ट कर दिया, घोस्ट करना शुरू कर दिया, वो उससे बात नहीं करता था, वो उस रात को लेट घर आता था, ही यूज टू कम होम ड्रंक एंड ही यूज टू बीट विद्या, ही ऑल्सो ट्राइड टू मोलेस्ट विद्या, ही ऑल्सो ट्राइड टू उसने विद्या से सारा घर का कंट्रोल ले लिया था एंड वो विद्या को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। नाउ विद्या वांट्स टू ब्रिंग अ केस ऑफ क्रुएल्टी एंड आल्सो शी इज सीकिंग डिवोर्स, डिसाइड द केस। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पहले इस केस को देखोगे, फिर आप जाओगे दास्ताने वर्सेस दास्ताने में, क्योंकि वो केस क्रुएल्टी पे है। ऑल्दो उसमें माफी मिल गई थी, बट उसमें भी फैक्ट्स यही थे कि वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत तंग करती थी, वो अपने हस्बैंड को सुनाती रहती थी, खरी खोटी बोलती थी, उसके कलीग्स के सामने इंसल्ट कर दी थी। सो इन दैट केस वहां पे वो फैक्ट्स जो है वो मटेरियल फैक्ट्स हैं, वो रेलेवेंट फैक्ट्स हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के फैक्ट और दास्ताने वर्सेस दास्ताने के फैक्ट्स में आप कंपेयर करके ही देख सकते हो कि यहाँ पे अगर क्रुएल्टी है तभी तो यहाँ पे क्रुएल्टी आएगी, तो वो मटीरियल फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या इशू है, यहाँ पे दिस इज अ कॉमन इशू, ये बहुत सारी विमेन के साथ उस टाइम हो रहा था। तो यू डू नॉट नीड टू मेंशन फैक्ट्स ऑफ ऑल द केसेस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एम आई ऑडिबल टू यू? हाँ दी। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा बैकग्राउंड से? नो मैम। ऑलराइट। सो देयर इज अ क्वेश्चन, इफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कन्वर्ट देयर रिलीजन, नो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि दोनों की अपनी मर्जी है ना वो चीज करने में, तो प्रॉब्लम क्यों होगा, ठीक है।
तब वो स्यू नहीं कर सकती क्योंकि उसने भी चेंज कर लिया अपना फेथ. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट द आंसर. इज इट क्लियर टू एवरीवन और यू हैव एनी इश्यूज देयर कि कहाँ पे क्या लिखना है? अब ये तो ना, कंक्लूजन एक बार और सॉरी, बता दीजिए मैम, कंक्लूजन एक बार और बता दीजिए मैम, बेस्ड ऑन द अबव मैम आपने ओके फॉर्मेट बताया ओके था। ओके जस्ट अ मिनट. था ना कंक्लूजन के रिगार्डिंग था वो. किसी ने कुछ पूछा था अभी. ओके कंक्लूजन यस मैम कंक्लूजन के रिगार्डिंग में आपको क्या समझ नहीं आया? मैम, जैसे आपने ये बताया तो फिर लास्ट में जैसे कंक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे, बेस्ड ऑन द अबव टू बेस्ड, सेंड द फैक्ट हाँ इन फ्रंट ऑफ अस, हाउ डू वी कंक्लूड दैट ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड अंडर दीज 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 सेक्शंस, एंड मैम ऐसे करके कंक्लूड कर देंगे इसको। इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि बेस्ड ऑन द अबव साइटेड प्रोविजंस ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एंड द केसेस ऑफ सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वी देयरफॉर डिसाइड दैट राघव शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर पॉलीगैमी अंडर सेक्शन 17 रेड विद सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी. क्योंकि 17 में पनिशमेंट लिखी है कि पॉलीगामी अगर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रेड विद सेक्शन 495 ऑफ आईपीसी. बिकॉज सेक्शन 17 में लिखा है कि अगर कोई पॉलीगामी कर रहा है हिंदूज में तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी, और वो पनिशमेंट लिखी है कि वो आईपीसी वाली लगेगी, इसलिए हमने दोनों सेक्शन को लिखा. तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू एंड द आंसर. सिंपल, ठीक है. और इंट्रोडक्शन अभी, ठीक है, और उसके बाद कितने पेज एक का आंसर लिखना है? यस यस पेज लिमिट. देखो पेज मैम, लिमिट इज नो नो इज इट डज नॉट मैटर, इट डज नॉट कंसर्न एनीथिंग. बिकॉज पेज लिमिट में क्या है, जिनके 10 पेज भी होते हैं ना, कभी कभी उनमें कोई पॉइंट नहीं होता, और 5 पेज वाले बंदे के भी 60 60 70 70 नंबर है. तो दैट इज नथिंग, दैट इज कोई मैंडेट नहीं है. 6 से 7 पेज मैं एडवाइस करूंगी कि उतना लिखो, बहुत है, लेकिन वो लिखो जो बहुत अच्छा रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट है. फालतू लिखने की जरूरत कुछ भी नहीं है, बस तुम अपने पॉइंट को, अपने डिसीजन को स्टेट कर पा रहे हो, उन चीजों को लिखो, रेलेवेंट चीजों को लिखो, एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है. उसके बाद आई हैड अ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं भेज दूंगी. यस वी आर अलाउड टू यूज एनीथिंग, ओपन बुक का मतलब ही यही होता है, ठीक है. गूगल करो, कुछ भी करो, ओपन बुक मीन्स दिस सेम ओनली. एक क्वेश्चन था बीच में कि हाउ कैन वी राइट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन देखो कैसे लिखते हैं. सीनियर देन इज इट नेसेसरी टू मेंशन द फैक्ट्स ऑफ द प्रेजेंट केस. ये अगर टाइम मिले तो लिख दो, अगर तुम्हें लग रहा है टाइम कम है, टाइम नहीं बच रहा, पेपर छूट जाएगा, तो सीधा लिख दो इन द प्रेजेंट केस द फैक्ट्स रिजेंबल टू द फैक्ट्स इन इशू एंड प्रॉब्लम इन क्वेश्चन रिजेंबल्स टू द सेम प्रॉब्लम विच वॉज डिस्कस्ड इन सरला मुद्गल्स केस. सीधा आप रेफरेंस डाल दोगे तो भी इट वॉन्ट कॉस्ट यू एनी मार्क्स. मैं भी करती हूँ ये चीज. उसके बाद किसी ने पूछा था हम इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं. देखो इंट्रोडक्शन कोई ये वो नहीं है, रिसर्च पेपर हम नहीं लिख रहे हैं. तो व्हाट यू डू इज कि आप सीधा इंट्रोड्यूस करो कि द प्रेजेंट प्रॉब्लम डील्स विद बाइगेमस मैरिज. सो अ बाइगेमस मैरिज हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 494 ऑफ आईपीसी. आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो द प्रेजेंट प्रॉब्लम डील्स विद हिंदू मैरिज एक्ट रिफ्रेनिंग बाइगेमस मैरिजेस इन सेक्शन 5 क्लॉज 1 बाइगेमस मैरिज आर नॉट अलाउड इन हिंदू लॉ. फिर आप सेक्शन 5 एक्सप्लेन कर दो. सो यू जस्ट हाँ हाँ बिल्कुल अभिषेक, उससे लिख सकते हैं, लॉ प्लैनेट से लिख सकते हैं. सो यू जस्ट व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर जस्ट गोइंग टू स्टेट वन लाइन ऑफ इंट्रोडक्शन दैट यू नो कि ये प्रॉब्लम इस टॉपिक से है. आप उसको एक लाइन में लिखोगे एंड देन यू विल लिंक इट टू द स्टेट्यूट हिंदू मैरिज एक्ट एंड देन यू विल कनेक्ट इट विद आईपीसी एंड देन यू विल कोट केसेज एंड देन यू विल जस्ट कंक्लूड द आंसर. सो इट इज गोइंग टू टेक 6 to 7 pages. वी हैव टू राइट कॉमेंट्रीज ऑन द सेक्शन 2. देखो इफ रेलिवेंट कॉमेंट्रीज हैं तो बिल्कुल आप लिख सकते हो, बट अगर वो रेलिवेंट नहीं है तो यू कैन स्किप देम. लॉ प्लैनेट यूज कर सकते हो, केसेस बिल्कुल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और कोई डाउट, किसी को कोई इशू? देखो एक्चुअली आई हैड एन इशू. सो अगर हम लोग को कोई
और केसेस साइट करने होंगे, द केसेस व्हिच आर रेलेवेंट इन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम बट दे आर आल्सो रीसेंट. सो कैन वी डू दैट अलोंगसाइड द केसेस दैट आर मेंशनड इन द केस मैट? यस यस, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट. बट द क्वेश्चन इज दैट देयर शुड बी अ रेलेवेंट पॉइंट मैचिंग टू द प्रेजेंट प्रॉब्लम. ऐसा ना हो कि आपसे पूछा गया है बायगेमी क्या है और आप जाके मुस्लिम लॉ को डिफाइन करो उस केस से, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा. ठीक है, इट शुड बी रिलेवेंट एंड यू कैन यूज एनीथिंग. इट इज प्रिस्क्राइब्ड टू यूज द जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑल्सो टू ऑल्सो ऑफ वेरियस हाई कोर्ट्स. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा फोर्स रहता है उसमें. दी कैन बी राइट आंसर्स इन द पॉइंट वाइज मैनर. ओके, दिस इज अ गुड पॉइंट. पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे, मतलब पॉइंट और पैराग्राफ्स, आई डोंट नो व्हाट एवर यू प्रेफर, बट द पैराग्राफ्स शुड बी शॉर्ट. चार चार लाइन के पैराग्राफ और जो नया पॉइंट है वो नए पैराग्राफ से. डॉट्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं? डॉट्स के आंसर्स केसेस से ही लिखे जाते हैं, बट डॉट्स में भी आप यही करोगे. मान लो प्रॉब्लम आ गई डेफामेशन की. ठीक है, ए ने बी के अगेंस्ट न्यूज़पेपर में छाप दिया दैट ए इज अ लायर, ए इज अ करप्ट मैन, वेयर इज ए इज अ वेरी इनोसेंट मैन, ही इज वेरी ऑनेस्ट. तो अब आपको पता है यहाँ पे डेफामेशन हो रहा है, तो आप टॉर्ट्स में वो आंसर में लिखोगे सेम चीज. पहले आप इंट्रोडक्शन करोगे कि दिस इज अ केस रिलेटिंग टू डेफामेशन, फिर आप डेफामेशन के एलिमेंट्स बताओगे कि इस डेफामेशन के ये एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, फिर आप उसके बाद ये बताओगे कि डेफामेशन लिबल भी हो सकता है, स्लैंडर भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है. डेफामेशन आईपीसी में भी प्रोसिक्यूट होता है. ठीक है, फिर आप उन तीन केसेस पे जो डेफामेशन के तीन केस मैट में है उनको आप लिखोगे और फिर आप उसमें कंक्लूड कर दोगे प्रेजेंट प्रॉब्लम में कि यस इट इज अ केस ऑफ डेफामेशन और नॉट वट एवर द फैक्ट्स आर, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स इन टॉर्ट्स इन सच अ वे. टॉर्ट्स में कॉन्सेप्ट के कोई बेयर एक्ट है नहीं, तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन सा कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट हो रहा है. यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट, यू आर गोइंग टू मेक फ्लो चार्ट्स, यू आर गोइंग टू मेक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यू आर गोइंग टू मेक पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू साइट फॉरेन लॉज ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सब कुछ अवेलेबल होगा. राहुल रिलेट कर सकते हैं बट उसका सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, आप उसे आंसर में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि टॉर्ट में जो डेफॉर्मेशन होगा दैट इज going to be a civil defamation, while जो IPC में defamation है वो penalization attract करता है. ठीक है, उसमें compensation नहीं होता. और कोई doubt है किसी को? Synopsis को हम add कर सकते हैं. Yes, you can always add synopsis. Can we use previous year? हाँ, कर. Yes, yes, yes. I guess we are done for today. Also, if you have any doubts, you can please text me on the WhatsApp. I have a class in 5 minutes. We are done, right? If you have any further queries, please feel free to inbox me. So I'll just okay, thank this you, ma'am. Meeting, right? That was a very wonderful session. Thank you. Thank you for being here. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Everyone. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, ma'am. Thanks. Okay. Thank you so much. I'm just going to end the meeting. Thank you so much. Come on.